नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक साथ कई सारे शवों को जलाया जा रहा है। इस वीडियो को तेलंगाना के मुलुक से कांग्रेस विधायक दानसरी अनुसुईया ने शेयर किया। उन्हें सितक्का भी कहते हैं। 22 जुलाई की रात करीब 10 बजे सितक्का ने इसे पोस्ट किया, लिखा हैरान करने वाला। सरकार ने कहा था कि 21 जुलाई को कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई, लेकिन ईएसआई के शमशान में 30 से ज्यादा शव जलाए गए। शुरुआत से ही सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में अपनी क्षमता को छिपाने के लिए गलत आंकड़े जारी कर रही है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव विफल रहे हैं। इस ट्वीट के साथ ही सितक्का ने कई सारे पत्रकारों और मीडिया हाउस को टैग किया। वीडियो सामने आने के बाद तेलंगाना स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने लगे। केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार पर कोरोना के आंकड़े छिपाने के आरोप लगने लगे। इन सभी आरोपों पर तेलंगाना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस वीडियो को सच माना, लेकिन आंकड़े छिपाने के आरोपों से इनकार किया। इंडिया टुडे के आशीष पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के रमेश रेड्डी, जो तेलंगाना डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, उन्होंने इस वीडियो पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि 50 से ज्यादा शव जलाए गए हैं, लेकिन ये सभी शव केवल एक दिन मरने वाले लोगों के नहीं है, बल्कि 2-3 दिन पुराने हैं। उन्होंने कहा, एक साथ 50 शवों को अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि कोरोना मरीजों के शव को ट्रांसपोर्ट करने में GHMC यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मुश्किलें हो रही हैं। जिन्हें जलाया गया वो 2-3 दिन पुराने शव थे। सरकारी अधिकारियों ने औपचारिक सा जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सवाल है जिनका पूछा जाना जरूरी है। सबसे पहले आंकड़ों पर बात करते हैं। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर हैं तेला राजेंद्र, ट्विटर पर हर रात राज्य में कोरोना के हालात पर अपडेट डालते हैं। हमने इन आंकड़ों पर गौर किया। 21 जुलाई और उसके 3 दिन पहले तक तेलंगाना में कोरोना से कितनी मौतें हुई उन्हें जोड़ा 21 जुलाई से, क्योंकि वीडियो 21 जुलाई की रात का बताया जा रहा है। और डॉक्टर रमेश रेड्डी के मुताबिक जिन शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया वो 2-3 दिन पुराने हैं। तेलंगाना के अधिकारियों के आंकड़ों के मुताबिक 17 जुलाई के दिन 7, 18 जुलाई को 6, 19 जुलाई को 6, 20 जुलाई को 7 और 21 जुलाई को भी 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इन सबको जोड़ दिया जाए तो संख्या होती है 33, जो 50 के आंकड़े से दूर है। यहां तो हमने एक दिन और बढ़ा दिया। आधिकारिक बयान पर जाते तो 17 जुलाई को शामिल नहीं करते, लेकिन कर लिया। खैर, इन आंकड़ों से सवाल आता है कि 1700 कहां से आए। और भी कई सवाल हैं। मसलन, क्या पूरे हैदराबाद में केवल एक ही शमशान घाट है जहां कोरोना के मरीजों के शव जलाए जा रहे हैं? क्या जिन 50 शवों को जलाया गया उनका परिवार नहीं था? ट्रांसपोर्ट की क्या दिक्कत है? उसे हल करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया? क्या कोरोना का इलाज पूरे तेलंगाना में केवल हैदराबाद में ही हो रहा है और वो भी एक ही अस्पताल में? इनके जवाब पाने के लिए हमने हेल्थ मिनिस्टर को कॉल किया, कई दफा किया, लेकिन ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले मंत्री जी लगता है कि अपने फोन से दूर रहते हैं। मुख्यमंत्री केसीआर से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात बनी नहीं। इस मामले में जो भी अपडेट होगा ललन टॉप आपको बताता रहेगा। ये स्टोरी की थी हमारे साथ ही लालिमा ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।